भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ बताइए भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? खून? ये खून कैसा? छाती पे जो पेंट है वो अभी भी गीला है, मतलब जिसने भी ये किया है अभी भी किया है। मगर सर पेंट से सीआईडी क्यों लिख दिया? लगता है खूनी सीआईडी को चैलेंज करना चाहता है। इस आदमी ने मरने से पहले कुछ बोला था? नहीं सर, ये लड़खड़ा कर चल रहा था और काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। चल फिर नहीं पा रहा तो फिर यहाँ पर पहुंचा कैसे? हो सकता है खूनी इसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी में डाल के लाया होगा। निकल। सर इसके शरीर पे चाकू या किसी घाव के निशान नहीं है और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे ये पता चल सके इसका खून हुआ। इसके कपड़े पे कोई आयकर? नहीं सर, लेकिन सर कपड़े देख के ऐसा लग रहा है काफी साधारण आदमी है। अभिजीत इसके नाखून देखो। क्या हो सकता है इसमें? संभल के देखो जरा। जा कनेक्ट करके देखते हैं। नमस्कार एसीपी प्रद्युमन, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक नहीं हो, क्योंकि हमने आपके रातों की नींद जो उड़ा दी है। आपको परेशान करने का मजा ले रहे हैं हम। सर लगता है ये वही गुनहगार है जिसने उस बेचारे के शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट किया है। ना 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 ना, चेहरा ना देखना, चेहरे ने लाखों को लूटा। चेहरा तो मैं डॉक्टर सालुंके का देखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए होंगे कि ये वायरस बना कैसे है। सबको पहचानता है सर ये? एसपी साहब, ये इतना खतरनाक वायरस है, एक आदमी 10 को मारेगा, 10-50 को और 50 से हजारों लोग मौत के नींद सो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। और आज जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ये है। सर, मैं इन 6 कैदियों को अपने कायद में रखना नहीं चाहता। हर एक घंटे में मैं इनको एक एक करके छोड़ दूंगा।
लेकिन इनके शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद। प्रद्युमन सर, अगर आप इन सबको जिंदा छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना होगा। गेम का नाम है पूछो तो जाने तो हम आपको असली सीआईडी माने। मुंबई दर्शन करवाऊंगा मैं आपको, मुंबई के अलग अलग जगह पर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग 6 सुराग रखे। 6 सुराग, जैसे ही आप पहले सुराग की गुत्थी को सुलझाएंगे मैं पहले कैदी को बिना वायरस इंजेक्ट किए आजाद करूं, और अगर 6 के 6 सुराग वक्त से पहले आप सुलझा पाए तो सभी कैदी आजाद हो जाएंगे। है ना कमाल का गेम? ट्रेजर हंट। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैदी को वायरस इंजेक्ट करूंगा मैं ठीक 11 बजे, तो ध्यान रहे। सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 10 बजे है। और आपके पहले सुराग की पहली कड़ी है ये 313 MCN XI Pigeons। जी हाँ, जी अजय, मैंने इसे प्लास्टिक सर्जरी करके नया चेहरा दिया था। लेकिन इस सर्जन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई क्यों थी? ये बताना तो मुश्किल है, अक्सर लोग अपने नेचुरल चेहरे से खुश नहीं होते, इसलिए नया चेहरा पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। अजय के पुराने चेहरे की फोटो तो होगी ना आपके पास, हम लोग देख सकते हैं प्लीज? जी आए। ये देखिए, ये नहीं तस्वीर। अरे ये तो हमारा खबरी भीखू है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले भीखू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रेडी, मरने के डर से इसने मरने का नाटक किया था। और सर ऐसे इसने क्यों किया होगा? हो सकता है इसकी जान को खतरा हो उन गुनहगारों से जिसकी इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी थी। लेकिन सर भीखू ने तो हमें कई सारे अपराधियों के बारे में खबर दी थी। वही तो फ्रेडी, एक काम करो, इन सारे अपराधियों की लिस्ट निकालो। उन्हीं में तीसरे कैदी को भी छोड़ दिया, लेकिन वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद सचिन उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि वो चलता फिरता बॉम्ब बन गया, चलता फिरता बॉम्ब। हाँ सर, वो आदमी अब जहाँ जहाँ जाएगा उन्हें इन्फेक्ट करेगा। वही तो सर, हम उस इन्फेक्टेड आदमी को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, खूनी बहुत चालाक है, उसने सभी कैदियों के चेहरे नकाब से ढक रखे थे। हाँ सर, और हमने उस इन्फेक्टेड आदमी को और बाकी कैदियों को तो देखा भी नहीं, तो फिर उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम? हाँ, मगर ढूंढना तो पड़ेगा सचिन, और हम ढूंढ कर निकालेंगे। एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगवा लो मिसिंग पर्संस के, और जल्दी। हाँ सर, हो सकता है खूनी ने उन्हीं कैदियों में से किसी को बंधक बना के रखा हो। हाँ प्रेडी, इसीलिए अगर वो आदमी आम लोगों में घुल मिल गया ना, तो पता नहीं हजारों लोगों की जाने उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगी। अंदर तो कोई भी नहीं है, लगता है उसने वो क्लू इधर ही कहीं आसपास छिपाया होगा। चलो ढूंढते हैं। सर, सर वहां पे है सर। चलो ये भी खाली है सर। खाली है? बोलो उसको।
हमारे कचरे वाले ने कचरा साफ कर दिया, वो सुराग उसी में चला गया। अगले सेकंड चाहिए पूरा कचरे वाला। क्या साहब? अरे इस कचरे के डब्बे में जो कचरा था कहाँ फेंका तुमने? क्यों साहब, उस कचरे में कोई खास चीज थी क्या? अरे उस कचरे में एक मासूम की जान फंसी हुई है, कहाँ फेंका कचरा आपने? वो वहाँ उस तरफ। निकल, सर मेरी चिंता मत करिए सर, सर सिर्फ 20 सेकंड बचे सर, उसे बचा लेंगे। मेरे को बचा बोलो। क्या 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड है, सिर्फ 5 सेकंड है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। 3-1, 3-1, 3-6, 3-6। जल्दी हॉस्पिटल जाइए, जाना होगा इसको। सर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन 6 कैदियों को तुम लोगों ने रिहा करवाया था ना, उन 6 कैदियों में मैंने वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर दिया था। अब वो 6 लोग पूरे शहर में वो जानलेवा वायरस फैलाएंगे। धोखा किया तुमने हमारे साथ। वो कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने भी वही किया। मैंने पूरे शहर में और न्यूज चैनल वालों को ये खबर भेजी कि इन सब चीजों के पीछे CID का हाथ है। CID वालों के कारण ही वो इन्फेक्टेड कैदी आजाद हुए। अब लोगों की नजरों से तुम CID वाले गिर जाओगे। अगर तुझमें हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा दो, फिर देख। सामने? हाँ, बोल कहाँ मिलना है। तो ठीक है, आ जाओ माहिम कोलीवाड़ा सीलिंग पे। सर वो रही लाश। माय गॉड। एक काम करो, अब तुम गाड़ी में बैठ जाना और याद रहे कि गाड़ी का कांच नीचे मत करना। ओके सर। वैसे मैंने रोड के दोनों तरफ नाकेबंदी लगवा दी है, यहां से कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। दैट्स गुड। चलो लेकिन ये आदमी इतने घने जंगल में करने क्या आया होगा? इसकी हालत देख के लगता है कि बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। ये पूरा जंगल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, होना हो खूनी का अड्डा इस जंगल में ही है। हेलो। हाँ सर। क्या? ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। क्या हुआ सर? वो नर्स एम्बुलेंस लेके कल्याण स्टेशन की तरफ गई। सर कल्याण स्टेशन? वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह। ये रहा विक्रांत ठाकुर।
और विक्रांत भी यहीं पर छुप के बैठा होगा। वो विक्रांत मिल जाए तो इसी समंदर में डुबा दूंगा उसे। हाथ ऊपर कर। कोई होशियारी नहीं। अब मुंह इधर। अरे वाह, चेहरा इतना भोला और काम शैतानों का। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, क्या मामला गड़बड़ है? ये वो आदमी नहीं लगता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ए, कौन है तू? ये जैकेट में क्या? वही वायरस है, टाइमर लगा है। अगर ये फटा तो दवाई मच जाएगी। मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, मुझे मरना है सर। हिलना मत। बॉम्ब को छेड़ने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। मैं मछली नहीं, मकड़ी हूँ। मकड़ी क्या? किसी मकड़ी को अपने ही जाल में फंसते हुए देखा तुमने? मकड़ी नहीं, लोमड़ी है, इसलिए छुप के वार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने। बस बस, बहुत होगी तेरी हंसी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ता है इंस्पेक्टर अभिजीत, और मुझे पकड़ने से पहले अपने पूजनीय एसीपी और उनके साथियों को मेरे जाल से तो बचा लो। ओह नो, लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। जी हाँ, अलविदा। माय गॉड, किसी भी साहब को बताना पड़ेगा। चलिए। अरे सर, ए, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? गन नीचे कर।
सचिन का फार्म हाउस, यहीं पर उसने उन 6 लोगों को कैदी बना के रखा था। ये देखो, यहीं पर। आप दरवाजा तो नहीं खुल रहा है, बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ, देखो और कोई रास्ता है कि यहां से बाहर निकलने का? कैसे हो प्रद्युमन साहब, इतनी जल्दी जाना है और थोड़ा इंतजार नहीं करोगे? मेरा शक सही था, चूहा यहीं पे छुप कर बैठा है इस बिल में। क्यों विक्रांत, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? पाए लागू एसीपी प्रद्युमन साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ा दूर से पाए लागू कह रहा हूँ। नसीबदारो, दूर से बात कर रहे हो, अगर पास में होते ना गर्दन मरोड़ देता। अब आएगा मजा, जिस तरह से मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर दया और अभिजीत को मार दिया, अब वैसे ही तुम सबको मार दूंगा। मर गए सीआईडी को खत्म करने वाले, मर गए तुम जैसे मच्छर विक्रांत। हिम्मत तो सामने आ। सर मेरे लिए क्या? जल्दी से अपनी मुंह ढक लो, मुंह ढक लो जल्दी। समझ गए सर, सर सर आप ठीक है? मेरी बात छोड़ो, मुझे विक्रांत को पकड़ो, विक्रांत को। सर हमने हर जगह देख लिया सर, विक्रांत कहीं नहीं था। वो यहीं पर है, यहीं पर होगा, छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे। विक्रांत, वो रहा विक्रांत। मैं देखता हूं।
बाहर निकल। आप हैं? मरो और मरो, लेकिन जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसा सवाल? सर ये जानना चाहता कि गोलियां चलने के बाद भी दया और मैं बच कैसे गए, क्यों? अरे शेर का शिकार करने का सोचा भी कैसे तुमने, अकल के दुश्मन? जहां पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से सीआईडी की सोच शुरू होती है। तुम जैसे मच्छरों का सामना करने के लिए सीआईडी हमेशा तैयार रहती है, समझे? तुम बताओ क्यों मारना चाहते थे तुम उन छह लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। मगर अफसोस सारे लोग बच गए। कैसे? कैसे? जो जानलेवा वायरस तुमने डॉक्टर संकल्प से चुराया था उसी वायरस का एंटीडोट डॉक्टर संकल्प ने बनाया था, उसी वायरस का एंटीडोट, और उसी एंटीडोट की वजह से ये सारे लोग बच गए, हमने बचाया उनको। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे विक्रांत। ऑफिसर पकड़े जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा मकसद अधूरा रह गया, सीआईडी को बदनाम करने का मकसद, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मेरा पूरा परिवार बिखर गया। जो भी कहना साफ साफ बताओ। सीआईडी के कारण मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मैं जेल से भाग के घर पहुंचा तो घर वाले मुझसे नफरत करने लगे थे, कोई मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब तुम लोगों के कारण हुआ, मेरा पूरा परिवार तुम लोगों के कारण बर्बाद हो गया, बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। सीआईडी को मिट्टी में मिलाने चला था तू? इस देश की जनता का विश्वास हमारा गर्व है और उसे हम किसी भी हालत में गंवा नहीं सकते, समझे तुम? विक्रांत तुमने छह मासूम लोगों की जाने लेने की कोशिश की, और तो और दो सीआईडी ऑफिसर्स पर गोलियां भी चलाई, तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। येचू कप्पो, आड़े जो बोलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। क्या बात है डेचो, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सर अभिजीत सर की जान को खतरा है सर। क्या? किससे खतरा है? सर मेरे घर के सामने होली का दहन हो रहा था, वहाँ पर किसी मुजरिम को मैंने फोन पर बात करते हुए सुना। क्या? किसी ने उसे अभिजीत सर को मारने की सुपारी दी है। अभिजीत की सुपारी? तुमने सामने का चेहरा देखा? हाँ सर मैंने उसे देखा। देखो देखो ये फोन क्यों कट गया? देखो की जान खतरे में तो नहीं है? ओह नो, देखो का फोन भी नहीं लग रहा है, अभिजीत को फोन करता हूँ। अभिजीत मेरी बात कहते सुनो। ये ढेचू का फोन आया था कुछ देर पहले, उसने कहा कि उसने किसी को सुना है कि तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा? हाँ मेरी बात सुनो, तुम घर से बाहर मत निकलना और मैं ढेचू के घर जाके देखता हूँ कि चक्कर क्या है, मुझे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं दे, मैं भी आता हूँ ना। नहीं अभिजीत नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे, ठीक है? मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि मामला क्या है, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। Okay. सचिन तुम जल्दी से ढेचू के घर पे पहुंचो, जल्दी। पता नहीं ढेचू फोन क्यों नहीं उठा रहा, जरूर किसी मुसीबत में आएंगे। ढेचू
दरवाजा बंद है? डीचू कहाँ गया? आप किसी को ढूंढ रहे? हाँ, ये डीचू कहाँ गया? वो तो बाहर गया होली जलाना है, अब तक वापस नहीं आया। होली जलाने? हाँ सचिन, आप जा सकते हैं। डीचू के बारे में कुछ पता चला? असल मोबाइल कंपनी वाले का कहना है कि डीचू का मोबाइल यहाँ आस पास ही कहीं। आस पास? तो टैबलेट में देखो, ये काम करो। सर, डीचू का फोन एक्टिव है सर। GPS के मुताबिक उसका फोन इस तरफ है सर। इस तरफ? सर। सब हाँ? आगे आगे की तरफ है सर, इधर। एक मिनट, इसको फोन लगा के देखते हैं। घंटी तो बज रही है सर। फोन जिस तरफ दिखा रहा है सर। इस तरफ? हाँ सर। सर और करीब आ गए सर फोन के। सर हाँ, आवाज यहाँ से आ रही है। जान बुझ कर अपना फोन यहाँ पे फेंका है ताकि हम उस तक पहुँच सके। एक मिनट जरा फोन दिखाओ। उसने आखिरी कॉल मुझे ही किया था, उसके बाद कोई फोन कॉल नहीं किया है। ये फोटो किसका है? सर हो सकता है ये दोनों ढेंचू के दोस्त, मगर इन्हें पहले कभी देखा नहीं ढेंचू के साथ। एक मिनट, अरे ये फोटो तो आज ही किसी की है, कुछ देर पहले। कहीं ये वही दोनों तो नहीं है जो अभिजीत को जान से मारने की बात कर रहे थे? लेकिन सर चेहरा तो सिर्फ एक का ही दिख रहा है, कहीं ये दोनों अभी भी चौल में तो नहीं? हो सकता है, शायद ढेंचू भी इन्हीं के कब्जे में है। लेकिन सर ढेंचू तक पहुँचेंगे कैसे? शायद यहाँ आस पास के लोगों ने इन दोनों में से किसी को देखा होगा। चलो नहीं बताएगा। एक मौका मुझे भी दीजिए, उसके बाद ये ढेंचू के बारे में बताएगा नहीं, हमें वहाँ तक लेके भी जाएगा। ठीक है निखिल, जो करना है कर लो। इससे ज्यादा मार खाने की ताकत नहीं है मुझ में सर। है ना, तो बता और सच सच बता। पूछिए सब जो पूछना है सर। कौन है ये, किसके साथ बात कर रहे हो तुम? साहब ये तो कल रात की तस्वीर है जब चौल में होली जलाई जा रही थी, आपके पास कहाँ से आई सर? सवाल हमने पूछा है तुमसे, जवाब तुम दोगे, समझे? बोलो कौन है ये? अनिल। अनिल, क्या बातें हो रही थी अनिल के साथ? इंस्पेक्टर अभिजीत को मारने की? नहीं साहब, मैं कोई प्लान नहीं बना रहा था, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर। ए चुप। साहब ये कह रहा था कि उसे अभिजीत सर को मारने की सुपारी मिली है। किसने किसने दी थी सुपारी? ये तो मुझे नहीं मालूम, वो फोन पे बात कर रहा था सर। और फिर जब ढेंचू ने तुम्हारी बातें सुन ली तो उसे भी गायब कर दिया? नहीं साहब मैंने नहीं, अनिल ने, इसे साथ में लेके गया हो। कहाँ ले गया? मुझे नहीं मालूम सर। ये अनिल रहता कहाँ है? अनिल वो भी मुझे नहीं मालूम साहब। सर ऐसे नहीं बताएगा सर, इसकी खातिरदारी कर। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि होली के पार्टी में उन लोग अभिजीत सर को मारने वाले थे। होली की पार्टी में? हाँ सर, अभिजीत सर होली की पार्टी में जाने वाले हैं डॉक्टर तारिका के साथ। कहाँ पर है ये पार्टी? सर ये तो नहीं मालूम। फोन लगाओ तारिका को और तुम अभिजीत को फोन लगाओ। सर डॉक्टर तारिका का फोन तो बंद आ रहा है। अभिजीत सर का भी फोन बंद आ रहा है सर। अनिल का नंबर दो जल्दी। 1797-58303। इसका भी फोन बंद। तीनों के भी फोन नहीं लग रहे। हो सकता है जहाँ पर ये पार्टी में गए हो वहाँ पर कोई नेटवर्क ही ना। मोबाइल कंपनी से पता लगाओ इन तीनों के फोन आखिरी बार कहाँ तक ट्रेस हुए। या अनिल की फोटो चाहिए। अनिल की फोटो। अभिजीत कहाँ हो? अरे उस आदमी तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ बैठे हो। अभिजीत बहुत हो गया मजाक, इस बार तो मैं तुम्हें कलर लगा के ही छोड़ूंगी। अरे कहा? बहुत हो गया, ठीक है मैं एक बार कह देती हूँ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अगर इस बार बाहर नहीं निकले ना तुम। सालों के सर सही कह रहे थे, तुम बहुत मतलबी हो। चलो ना दीजिए, कितना मजा आ रहा है यार, चलो। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं फाइनल जा रही हूँ, इसके बाद मैं कभी बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके बाय। मास्क पहन लिया है कलर से बचने के लिए। हाँ मैं तो फिर भी कलर लगाऊंगी।
ये क्या कर रहे हो? तुम अभिजीत ही हो ना? मैं हूं तेरी मौत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कारिका, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे प्यारे सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत के पास पहुंचाना चाहता हूं। मतलब ये कि उसे तो मैं ऊपर पहुंचा चुका हूं, अब तेरी बारी है। झूठ बोल रहे तुम, बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। जिसने भी कोशिश की अभिजीत को ऊपर पहुंचाने की, कब के ऊपर पहुंच गए? जीत तुम्हारे सामने खड़ा है। क्यों, ये नहीं हो सकता, अभिजीत तो मर चुका है। नहीं अभिजीत मरा नहीं, ये रहा अभिजीत, असली अभिजीत। अब जरा तुम्हारा भी मुखड़ा देख लें, हटाओ इसका घूंघट। तुम वही हो ना जो मैं पिछले पार्टी में मिले थे? क्या कह रहा है? सीआईडी की तरफ से होली का तोहफा तो ले ले। तो बताओ। मैं पिछली होली पार्टी में भी था, जब मेरा भेजा हुआ प्यादा अनिल शहीद हो गया, तो मैंने अभिजीत को मारने के लिए दूसरे खूनी को सुपारी दी। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? आपको नहीं, मैं तो दूसरे अभिजीत को मारना चाहता था। उसका नाम अभिजीत नहीं, दिग्विजय था, दिग्विजय। तो क्या वो सीआईडी ऑफिसर नहीं था? नहीं, वो सीआईडी ऑफिसर नहीं था, फिर भी उसे क्यों मारना चाहते थे? उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर वो मुझे धमकाता था, मुझसे पैसे ऐंठता था। उसकी मांगे पूरी करते करते हमारी माली हालत बहुत खराब हो गई थी, हम लोग फुटपाथ पर आ गए थे, और मेरी पत्नी इसे बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। नकली सीआईडी ऑफिसर बनके? सर ऐसे लोगों को तो सर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि हमारा एक अपना घर होगा, घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा होगा, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत और उसकी दोस्त डॉक्टर तारिका की मौत। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है हमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथों में ले लो। जुर्म चाहे जो भी करे, तुम्हारे लिए तो कानून के दरवाजे खुले थे, हमारे पास आ सकते थे, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लेना चाहा, और उसकी वजह से दो दो लोगों की जानें चली गई। तुम्हें तो शायद अब फांसी ही होगी, फांसी। I'm sorry. My phone. Actually, मेरा ध्यान कहीं और था। Is it okay? हाँ, ठीक है। मेरा MMS, I mean, मेरा recording ठीक है। So, आप इस होटल का video recording बना रहे थे? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा होटल है। ये मेरा personal collection के लिए। नीलम मैन, कितनी अजीब सी जगह है। जैसा मनसुख वैसा ही उसका नीलम महल। सर आपके दवाई का टाइम हो गया, प्लीज लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को एक साथ यहां देखकर, लेकिन ऐसा लगता है तुम लोग खुश नहीं हो, ना तो आपस में बातें कर रहे हो और ना ही मेरे साथ। देखो, अगर मेरी वसीयत का फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, सारी वसीयत किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हवाले कर दूंगा। क्या कहते हो? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। तो इतने चुप क्यों हो तुम लोग? लड़ाई कर ली क्या तुम लोगों ने? अरे नहीं, हम क्यों लड़ेंगे, हम सब तो बहुत खुश हैं।
आपने तो बल्कि हम सबको मिलवा दिया, क्यों माला? हाँ, एक्चुअली हम सब उलझन में हैं कि आप हमारे साथ में ऐसा कौन सा गेम खेलने वाले हैं अपने बर्थडे पर जिससे उसको ये शामियाना डायमंड मिलेगा, और इतनी बड़ी चीज है, देखने से तो लगता ही है ना। एक्चुअली माला बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जो बांटेंगे उससे शामियाना 5 गुना ज्यादा बड़ा। हम सब लोग सपने में यही सोच रहे हैं कि शामियाना हमें मिल जाए। मतलब बेचैन हो, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा चाहिए। एनीवेज, बस 2 दिन में ही बर्थडे के सेलिब्रेशन में शामियाना की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तुम 5 लोग, ये छठा कहाँ है? विराज कहाँ है? आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, पहुंचने वाले, बस आ ही गए। जो लोग वक्त के पाबंद नहीं वो किसी के नहीं, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या करने लग गए थे रूम में? अब हिसाब देना पड़ेगा, मेरे उठने बैठने का हिसाब देना पड़ेगा। चमचागिरी मत करो। अंकल जी पूछ रहे थे, एनीवे आ गए हो। वेटर चाय पिलाओ। विराज सब सब यही कह रहे हैं कि विराज जी ने ब्रेकफास्ट खाना शुरू भी नहीं किया था। सालू के साहब, रूम सर्विस का रिकॉर्ड चेक किया, क्लियर है। इन्होंने कमरे में कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, तो फिर इनके पेट में जहर आया कहाँ से? सर हो सकता है फैमिली मेंबर्स और स्टाफ वाले झूठ बोल रहे हो। तो सब साथ में है, सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। अब इसके पेट में जहर कैसे गया है या नहीं, ये तो लैब में जाकर के पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, इसके मुंह में जहर गया जरूर है। अब ये जहर कैसे गया है ये अभी पता चल जाएगा जब ये मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? कमाल है, कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? खून करने का इतना क्रूर तरीका। सर मर्डर तो हमेशा क्रूर ही होता है। हाँ, लेकिन ये तो कमाल ही है सचिन। पता है इसके दांतों के अंदर जो पार्टिकल्स मिले थे उसमें क्या था? उसमें सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट और फ्लोराइड था, और ये टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या मतलब टूथपेस्ट में जहर मिलाया हुआ था? एग्जैक्टली। अगर टूथपेस्ट की ट्यूब नहीं थी तो जिसने भी इसे कमरे में रखी उसी ने जहर मिलाया होगा। या फिर जिसे विराज जी के टूथपेस्ट का ब्रांड पता हो उसने ट्यूब चेंज कर दी हो। उसका भी पता चल जाएगा। या सर, मेरा शामियाना डायमंड इस कॉरिडोर के पीछे सेफ वॉल्ट में है। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी जायदाद पाने के लिए मेरे रिश्तेदारों में से कोई एक मेरा खून करना चाहता है। तुमने सभी रिश्तेदारों को मारना सोच लिया है? हाँ सर, मैंने शामियाना डायमंड का लालच देकर उन्हें एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया सर, और हर एक रूम में कौन किसको मारेगा इस नाम की चिट्ठी छोड़ दी सर। वार, वार, वार। नीलम महल, नीलम महल, हाँ नीलम महल, N E E L A M महल। नीलम महल, ये तो नहीं है। फिर क्या हो सकता है?
शामियाना को बचाने के लिए, शामियाना। मगर अफसोस मैंने जो सोचा वो नहीं हो पाया। क्या हुआ मंसूख? मंसूख, मंसूख, तेरे से भी जहर दिया, मुझसे जाग निकल रहा। पूरी कौन के को फोन करो जल्दी जल्दी। मंसूख, तूने तो दवाई में जहर नहीं दिया? नहीं। बता क्यों किया तूने ये सब? सर, नीलम बेल और शामियाना किसे नहीं चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। एक बार मैंने चोरी का प्लान भी बनाया सर। फिर? सर, मैंने एक प्रोफेशनल चोर को हायर किया, लेकिन वो बॉर्डरूम से बाहर नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? बॉर्डरूम एक मौत का कुआ है, जो भी शामियाना तक जाएगा फर्श उसके वजन से खुल जाएगा और वो मौत के मुंह में चला जाएगा। शामियाना को पाने के पहले सर। अरे वाह, मतलब जिसे भी उस मौत के कुएं के बारे में मालूम नहीं वो मर गया। सर, अभिजीत सर। माय गॉड, काम करो जल्दी, अभिजीत के पास जाओ। जाओ, मैं यहां रुकता हूं कौन के आने तक, शायद ये बच जाएगा। चलो मंसूख, मंसूख घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब कुछ उल्टा पल्टा हो रहा है। उल्टा उल्टा, शामियाना, शामियाना का उल्टा, शामियाना का उल्टा, A-N-A-Y-I-A-N-A-Y-I-A-A-H। शामियाना, शामियाना अनाई महस, अच्छा कोड वर्ड रखा है। सर, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। बंद कर रखा है। रेडी।
उर्वी संभाल के। उर्वी अभिजीत सर संभाल के पूर्वी सर हम लोग हैं सर संभाल के तो तू है सबके पीछे नीचे रिश्ते की लाश पड़ी है एक और आदमी मारा पड़ा है मुझे मारना चाहता था किस लिए इस हीरे के लिए इस हीरे के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की कि सामान्य हीरा मेरा हाथ लग जाए इसने भी इसे चुराने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने भी बड़ी गलती की तो चोर की तरह अपनी जान गंवा बैठा इस बेजान हीरे के लिए इतने मासूम लोगों की जान ली तुमने अब जेल की काल कोठरी में बैठ के सड़ो फांसी का ऑर्डर आने तक फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़